आज जो बहराइच से जहां पर 8 कोरोना मरीज मिले हैं, 8 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। डीएम ने आपात बैठक बुलाकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिला अस्पताल में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। क्वारंटाइन में रह रहे 2 मरीजों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम ने आनन फानन में आपात बैठक बुलाई। 6 कोरोना मरीज जिला अस्पताल में आइसोलेट किए गए थे, उनमें पुष्टि हुई है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 2 अन्य नए केस सामने आए हैं, और इसके साथ ही यहां पर 8 मरीज मिले हैं जिनकी पुष्टि हुई है, और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। संवाददाता अखिलेश हमारे साथ बहराइच से जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या जानकारी है? अभी तक बहराइच से छूटा था, कोरोना का कोई पॉजिटिव मरीज नहीं था, मगर कल जो रिपोर्ट आई है वो पूरे महकमे, स्वास्थ्य महकमे में पूरा हड़कंप मचा हुआ है। 8 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। फिर बता दो, ज्यादातर सब लोग मजदूर हैं, कई लोग हैं जो नेपाल से आए थे, आइसोलेट थे घर पे, उसके बाद उनका टेस्ट कराया गया तो पॉजिटिव निकला है। और एक महिला है जो दिल्ली गई थी ऑपरेशन कराने, फिर वहां से आई है, उनका ही पॉजिटिव निकला हुआ है। अमित जी, कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी जिला प्रशासन की तरफ से थी कि जो बाहर से लोग पहले आ रहे थे उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया, उनका सैंपल पहले नहीं भेजा गया, वो कई लोगों के संपर्क में गए, उसके बाद जब सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगे फिर उनका भेजा गया, उसके बाद जो है अब जाके उनका पॉजिटिव आया, तो कहीं ना कहीं और लोगों को संक्रमित कर चुके हैं। तो अब बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य महकमे और जिला प्रशासन के सामने कि उनकी हिस्ट्री निकाल के उनको चिन्हित करके फिर उनको क्वारंटाइन करें, सैंपल उनका भेजा जाए। कितने लोग हैं ये बड़ी चुनौती है, और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी मानी जाएगी कि जिस तरीके से ढिलाई बरती गई बीच में, उसका नतीजा सामने है कि 8 लोग यहाँ भी संक्रमित हो गए बहराइच में भी। शुक्रिया अखिलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1486 नए मामले सामने आए हैं।